हेलो बच्चों, आउट ऑफ बॉक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी का फर्स्ट लेसन। तो डिटेल वीडियो का एक्सप्लेनेशन मैंने पहले डाल दिया है और पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन का भी वीडियो डाल दिया है। जिसको कौन सा एक्सप्लेनेशन चाहिए वो देख सकते हैं। ओके, तो आज हम फर्स्ट लेसन मराठी का देखेंगे, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। और ये स मा गर्गे ने लेखक ने लिखा है। तो इसमें मुख्य पात्र जो है उनके पहले परिचय करेंगे। तो पहले तो राजा पल प्रहलाद जो दैत्य कुल सम्राट हिरण्यकश्यप का लड़का है। ठीक, तो बाद में इंद्र, इंद्र तो सबको मालूम है, इंद्रदेव, ब्रह्मा उसको बृहस्पति बोला गया है, और शुक्र, शुक्र मतलब असुरों का गुरु। और धिप्पाट पुरुष मतलब ऐसा रोशनी जो शरीर में से जा रहा है, नहीं तो आत्मा बोल सकते हैं, ऐसा कि जा रही है। और लक्ष्मी तो आपको मालूम ही है। तो ये सब पात्र है इसमें। तो अभी देखेंगे क्या है। सदैत्य कुल उत्पन्न राजा प्रहलाद अत्यंत शील संपन्न होता, इतरांचे हित झालं पाहिजे अशी त्याची दृष्टी होती। सदैत्य कुल उत्पन्न मतलब राक्षसों के कुल में राजा प्रहलाद एक अच्छा आदमी था। ओके, तो अत्यंत शील संपन्न होता मतलब अच्छे कामों से पहचाने वाला, और उसके गुण भी अच्छे थे। सो इतरां से हित झाला पाहिजे अशी त्याची दृष्टी होती, मतलब सबका अच्छा चाहता था वो हमेशा। तो शीलाच्या सामर्थ्याने त्याने देवेंद्राचे राज्य काढून घेतले आणि त्रैलोक्याचा धनी बनला। सो उसने शील के वजह से, शील के होने से देवेंद्र मतलब इंद्र को हराया और उसकी गद्दी पर बैठ गया जाकर। तो त्रिलोक्य का धनी बन गया, मतलब स्वर्ग मृत्यु और पाताल का वो राजा बन गया। ठीक, तो इंद्र और मोटा विकट प्रसंग उड़ाला, मतलब इंद्र पर अभी बहुत ही बड़ा संकट आ गया, विकट मतलब संकट। ठीक, तो विचार करू लागला, पण प्रल्हादाच्या विशेष गुणाचा शोध लागला नाही। तो अभी वो सोच रहा था कि मेरे पास इतनी शक्तियां थी, मेरे पास इतने अच्छे अच्छे लोग थे जो झगड़ सकते थे, फिर भी मैं हार कैसे गया करके। तो उसके पास ऐसा कौन सा विशेष गुण मतलब उसके पास ऐसा कौन सा हथियार था कि वापस वो जीत गया। इंद्र ने बृहस्पति जगत सर्वश्रेष्ठ का है ये विचार विचार लो। तो ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मा को उसने पूछा कि बाबा इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ सबसे पावरफुल हथियार क्या है करके। तो उसने बोला बृहस्पति मतलब ब्रह्मा। ब्रह्मा ने इंद्राला आपल्या जवळ असलेले ज्ञान दिले, पण इंद्राला तेवढे समाधान झाले नाही। सो इंद्र को उसने जो ब्रह्मा ने जो भी उसके पास नॉलेज था, ज्ञान था, वो उसको दे दिया, पर उसको मतलब इंद्र को कुछ भी उसको आंसर नहीं मिला। ओके, वो खुश नहीं हुआ। तो बृहस्पति ने त्याला शुक्राकडे जाण्याचा सल्ला दिला। तो बृहस्पति ने बोला मेरे पास तो इतना ही नॉलेज है, तुम शुक्र पे पास जाओ, शुक्र तुमको हेल्प करेगा। तो शुक्राने त्याला उत्कृष्ट ज्ञानाची प्राप्ति करून दिली, पण त्यामुळे इंद्राले समाधान झाले नाही। सो शुक्राने भी उसको अपने जो था उसके पास इन्फॉर्मेशन और ज्ञान वो सब दिया, पर उससे भी उसका मन नहीं भरा, उसको नॉलेज नहीं मिला। तो शुक्राने त्याला प्रल्हादाकडे पाठवले, त्याने वेश पलटला। अभी वो डायरेक्ट कैसे जाता, डायरेक्ट जाता तो उसको थोड़ी बताता था कि उसके पास कौन सा गुण है। तो उसने क्या किया, अपना रूप चेंज किया, तो एक साधु के भेष में चला गया। तो इंद्र ने प्रल्हादाला अनेक प्रश्न विचार ले, त्यातून जगात शील हे सर्वश्रेष्ठ आहे ये ज्ञानाचे इंद्राला प्राप्त झाले। तो वो जब प्रहलाद के पास पहुंचा, शुक्र ने उसको इंद्र प्रहलाद के पास भेजा, तो उसने बहुत सारे क्वेश्चन प्रश्न उसको पूछे, प्रहलाद को पूछे। तो उससे उसको मालूम पड़ गया कि बाबा शील है सबसे बड़ा हथियार है और ये ही इसके पास है, इसलिए ये जीत गए। ठीक, तो इंद्र ची ज्ञान जिज्ञासा बुद्धि सेवा बुद्धि आणि विनय संपन्न था, पाहून प्रल्हादाने इंद्राला वर मागण्याचा आग्रह केला। तो प्रहलाद ने क्या किया, उसकी ज्ञान जिज्ञासा मतलब इसको बहुत इंफॉर्मेशन का नॉलेज है, मतलब ये और भी पूछ कर लेना चाहता है, ये पढ़ना चाहता है। और सेवा बुद्धि मतलब उसकी भी सेवा बहुत की थी उसने,
और विनय संपन्न था, मतलब सब बोलता था वो शांति से करता था, तो विनय संपन्न था बोलते उसको। तो ये सबसे वो खुश हो जाता है और उसको आग्रह करता है कि बाबा तुम कुछ तो देना ही पड़ेगा मेरे से अभी। ठीक है, तो उसको फोर्स करता है कि कुछ तो मांगो मेरे से। तो इंद्र म्हणाला, राजा तू खरोखर प्रसन्न झाला असेल तर मला तुझे शील दे। तो ओम क्या बोलता है कि अगर तुम बहुत ही खुश हो तो मुझे सिर्फ तुम्हारा शील ही दो बोलता है, तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो प्रहलाद तो बहुत खुशी में ये हो रहा था, तो उसने तथास्तु बोल दिया बिना सोचे। तो प्रहलाद ने तथास्तु म्हणाला, शील त्याचे शरीरातून बाहेर पडले। तो उसने तथास्तु बोला तभी उसके शरीर में से ज्वाला आ गई, मतलब एक प्रज्वलित ये आ गई, रोशनी आ गई और वो उससे चली गई। ठीक है, तो शील पाटों का धर्म बाहर पड़ा ला, तो शील गया इसलिए उसके पीछे पीछे धर्म में भी दूसरा उजाला हो गया और धर्म भी उसके शरीर में से गया। ठीक है, मनाला जिकड़े शील तिकड़े में, तो बोलने लगा जिकड़े वह जहाँ पर शील रहता है वहां पर ही मैं रहता हूँ करके, इसलिए वो जा रहा है। प्रहलाद के शरीर में से एक-एक आदमी जा रहे हैं। ओके, तो धर्म पाटो पर सत्य बाहर पड़ला आणि म्हणाला, मी धर्माचा अनुयायी, म्हणाला जिकडे धर्म तिकडे मी। ओके, जहां पर धर्म होगा वहां पर ही मैं होऊंगा बोलने लगा। ओके, तो सत्य पाठोपाठ सदाचार बाहेर पडला आणि म्हणाला, जिकडे सत्य तिथे सदाचार। तो उसके पीछे और एक रोशनी आ गई, उसके शरीर में से जाने लगी, उसका नाम सत्य था। तो सत्य के पीछे सदाचार अभी जाने लगा। ओके, तो म्हणाला, जिकडे सत्य तिथे सदाचार। ओके, तो जहां पर सत्य होगा वहां पर मैं भी रहूंगा बोल रहा। तो सदाचार भी अभी उससे जाने लगा। तो सदाचार फटोफट बल बल बाहर पड़ाला। तो सदाचार के पीछे अभी कौन आया, बल करके आया। तो बल भी उसके शरीर में से बाहर आया और चला गया। उसके बोलने लगा कि मनाला, जिकड़े सत्य आणि सदाचार तिकड़े मी। ओके, तो जहां पर सत्य और सदाचार दोनों रहते हैं वहां पर मैं रहता हूँ करके, और वो भी उसके पीछे चला गया। तो शीलाजे पाटोपाट चार महापुरुषों ने धर्म सत्य सदाचार बल प्रल्हादाचे शरीर सोडून गेले। तो उसके शरीर में से चार महापुरुष उसका शरीर छोड़ के चले गए के शील के पीछे पीछे। ओके, तो धर्म सत्य सदाचार और बल ये सब छोड़ के गए। काय क्षणात प्रल्हाद शरीरातून लक्ष्मी देवी बाहर पड़ली। तो अभी उसके शरीर में से पहली बार एक देवी बाहर आती है, उसका नाम लक्ष्मी रहता है। तो लक्ष्मी बाहर आती है और प्रल्हाद ने प्रश्न विचार ला, तुम्हें 40 तरीक उठे, तो अभी सब ये जा रहे कि थे किधर, वो अब पूछ रहा है। ओके, तो लक्ष्मी मड़ाली, तो लक्ष्मी ने बोला, अभी तो पातस्थ दूसरा कोणी नसुन प्रत्यक्ष इंद्र आए। लक्ष्मी बोलने लगे, शीलाच्या सहाय्याने तू त्रैलोक हस्तगत केले हे इंद्राला समजले। ओके, तो बोलने लगी कि शील ने इसके वजह से तूने पूरा त्रैलोक्य विजय कर लिया, वो इंद्र को समझ गया, आपसे ही समझ में आया उसको। और अभी वो प्रहलाद उसको पूछता है कि शील बाबा मतलब क्या है। तो लक्ष्मी ने राजा प्रहलाद शीलाचे महत्व समझावले। के तो प्रहलाद को बताती है अभी शील मतलब एक्चुअली क्या है करके। तो पुराना चा दोह करने न करने, मतलब किसी को भी नुकसान न पहुंचाने, किसी को दुख न देने के, और दान करने मतलब सभी हमेशा दूसरों की मदद करने के, अनुग्रह करने मतलब हमेशा रिस्पेक्ट में रहना, सबका आदर करना, और प्रशंसनीय ऐसे काम करने मतलब हमेशा लोगों का अच्छा करना ताकि लोगों में उसका नाम बना रहे, तो हे शील हो। तो ये उसको समझाती है कि शील का महत्व क्या है करके। तो यहाँ पर आपका लेसन खत्म होता है। तो आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने पहले अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं, और पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी मैंने डाल दिया है, तो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। अगर आपको टाइम मिलता है तो डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, आपको थोड़ा और जानकारी प्राप्त होगा। तो थैंक यू वेरी मच।